देखिए, जैसा आपको पता है कि पहले नेशनल हाईवे पे हम क्या करते थे कि शेड्यूल में भेजते थे लोगों को, एक बार कुछ लोगों को भेजते थे, एक बार इवन ऑड की तरह से एक तरीके से चलता था। एक दिन अप कन्वॉय का टाइम होता था, एक दिन डाउन कन्वॉय का टाइम होता था। लेकिन अभी पीछे जब CSR और सब ने ये विजिट किया और रोड की हालत भी अब इम्प्रूव काफ़ी हो चुकी है, तो उसका पूरा बेनिफिट लोगों को जाए, तो इस बार अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो ये फ्रूट ग्रोवर्स के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए की खुशी की बात है कि अब जो बड़े ट्रक्स जो हैं उनको अब कोई रोक टोक नहीं है, अब वो डेली आ जा सकते हैं और इसमें उनको कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, ये आपने देखा होगा कि स्पेशली आफ्टर वो जो इंसिडेंट हुआ था जब CRPF कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था, तो उसके बाद एक SOP डिज़ाइन की गई थी जिसमें ये था कि जब एक तरफ कॉन्वॉय जाएगा तो दूसरी तरफ का जो ट्रैफिक था उसको रोक दिया जाता था। वो उस समय बनाया गया था जब नेशनल हाईवे बन रहा था, बीच में डिवाइडर की स्थिति नहीं थी। तो बीच में एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत इस पर ध्यान दिया और सिचुएशन भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो उन सबको देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसी उसको रिव्यू कर रही है और बहुत ही जल्द उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि सिक्योरिटी एंगल भी देखा जाए और लोगों की कन्वीनियंस भी देखा जाए।